जो ये अमेंडमेंट का बिल है, मैं इसकी मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी मंशा से भी आया है, लेकिन मेरे एक दो सुझाव हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार उसकी पर ध्यान देगी। अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्म्स, 1000 के बीच एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक ग्यारह बारह हजार के पीछे एक एवरेज चल रहा है। इसका मतलब डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। सरकार डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन तरीका क्या है? एक तरफ तो 4.5 साल की जो प्रैक्टिकल है उसके बाद थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल है। 5.5 साल के तक आप पढ़ाई करके आते हैं और एक तरफ आप ब्रिज कोर्स करवा के 6 महीने में आप कहते हो कि किसी को भी हम इलाज करने के लिए अलाउ कर देंगे। मतलब आप ये चाहते हो कि एक ट्रेन के ड्राइवर को, एक रेलगाड़ी के ड्राइवर को 6 महीने में आप पायलट बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो देश के स्वास्थ्य के लिए और उसमें गड़बड़ियां उसमें निकलेंगी। मेडिकल कॉलेज किसके हैं? मेडिकल कॉलेज सर मोस्टली मेडिकल कॉलेज जो है पॉलिटिशियंस के हैं, जब बहुत अमीर व्यापारियों के नहीं। इतनी महंगी उनकी फीसें हैं कि गरीब का बच्चा सिर्फ मरीज बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 45% डॉक्टर अमेरिका में इंडियन है, वो यहाँ काम क्यों नहीं करते? पंजाब में डॉक्टर के लिए जो आवेदन पत्र मांगे गए, एक भी डॉक्टर ने अप्लाई नहीं किया। वो अपना काम प्राइवेट करना चाहते हैं क्योंकि बेहतर नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अभी एक नेक्स्ट नाम का आप टेस्ट लेना चाहते हैं कि जिसने MBBS कर लिया उसके बाद वो एक बार फिर उसका एक टेस्ट होगा। तो मतलब एक महकमा आपने करप्शन के लिए और पैदा कर लिया। तो मैं ये चाहता हूँ इसमें नॉन प्रोफेशनल लोग नहीं आने चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं मैं आयुर्वेद को अलग से एक इंडस्ट्री खड़ी कर दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आप नॉन प्रोफेशनल इसमें जो आप NMC बनाएंगे, नॉन प्रोफेशनल लोग उसमें आएंगे, आयुर्वेद से भी लोगे, एकदम से भी लोगे। तो मेरा ये आग्रह है, इसको करप्शन से बचाइए और मेडिकल के स्पेशलिस्ट जो है वो पैदा कीजिए, डॉक्टर पैदा कीजिए, मेडिकल की पढ़ाई सस्ती कीजिए।